हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कान दर्द की घरेलू उपचार। आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं बताऊंगी कि अगर आपके कान में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए और कौन से घरेलू नुस्खे अपनाने चाहिए। कान दर्द बच्चों और बड़ों में बहुत ही आम बात है। वैसे तो कान का दर्द सहना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन बड़े तो किसी न किसी तरीके से इसे सहन कर लेते हैं, पर बच्चों में इसका खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि कान का दर्द उन्हें काफ़ी परेशान कर देता है, यहाँ तक कि उनकी भूख को भी मिटा सकता है। इसलिए अपने कानों को हमेशा साफ रखें और कानों की सफाई नहाते वक्त हमेशा करें। कान दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कड़ाके का ठंड, कान में पानी जाना इत्यादि। कान का दर्द बच्चे को हो या बड़े को, हर किसी को परेशान कर सकता है और उस वक्त आप हमेशा ऐसा उपचार चाहते हैं जिससे आपको तुरंत आराम मिल जाए। कान का दर्द बहुत ही भयानक दर्दों में से एक होता है और ये बर्दाश्त से बाहर होता है। कानों का दर्द तेज आवाज, सर्दी, जुकाम, नशिका मार्ग में रुकावट, कान में मैल का जम जाना या कान का क्षतिग्रस्त हो जाना आदि कारणों की वजह से होता है। कानों का दर्द नवजात और छोटे शिशुओं में बहुत ही आम बात है। कान में दर्द कान के बीच में बैक्टीरिया और वायरस के संक्रमण हो जाने से होता है। कान दर्द के कारण ये संक्रमण यानी कि ईयर इन्फेक्शन मैल के जम जाने से, पोषक तत्वों की कमी हो जाने से, अनुवांशिकी और शराब की लत की वजह से होता है। सिम्टम ऑफ ईयर इन्फेक्शन। कान दर्द के क्या लक्षण हैं? कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे कानों में दर्द होना, नींद आने में तकलीफ होना, कान से पानी का बहना, आवाज़ पर उत्तर ना देना और उल्टी होना। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जिससे आप कान का दर्द दूर कर सकती हैं, और वो घरेलू नुस्खे इस तरह के हैं। लहसुन यानी गार्लिक। लहसुन में दर्दनाशक तथा एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कान के संक्रमण से पैदा हुए दर्द को कम करने में काफ़ी सहायता करते हैं। कान के दर्द को कम करने के लिए लहसुन की एक पोथी काफ़ी है। लहसुन की एक पोथी को अपने प्रभावित कान में रख लीजिए या लहसुन की पोथी को ऑलिव ऑयल में डालकर कुछ बूंदे कान में डालने से भी लाभ मिलता है। नंबर दो, नारियल तेल यानी कोकोनट ऑयल। एक कप का आठवां हिस्सा 1/8 कप नारियल तेल को दो पोथी लहसुन के साथ 5 मिनट तक गर्म कर लें और बाद में इसे छान लें। कुछ बूंदे कान में डालिए और 5 मिनटों तक लेटे रहिए। कुछ दिन लगातार दिन में 2 बार ऐसा करने से आराम मिल जाएगा। नंबर तीन, शहद यानी हनी। शहद में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दर्दनाशक होते हैं। शहद की कुछ बूंदे कान में डालने से दर्द से आराम मिलता है। नंबर चार, ऑलिव ऑयल। ये तरीका बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित है। आपको बस इतना ही करना है कि ऑलिव ऑयल को गर्म कर लेना है और इसकी कुछ बूंदे अपने कान में डाल लेनी है और इससे दर्द गायब हो जाएगा। नंबर पाँच, अदरक यानी जिंजर। कान के दर्द में अदरक का एक खास स्थान है। अदरक से बनी चाय पीने से कान का दर्द दूर हो जाता है, या फिर आप अदरक का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताजे अदरक को टुकड़े में काटकर उसका रस निकाल लें और उस रस को थोड़ा गर्म कर लें और इसके 4 बूंदे कान में डालने से भी आराम मिलता है। कान के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अन्य घरेलू उपाय, जैसे कान के दर्द में तुरंत आराम के लिए उन्हें गर्म सेक दें, गर्माहट से आपको आराम मिलेगा। नंबर दो, एक बोतल में जैतून का तेल लें, इसे गुनगुना बनाने के लिए गर्म पानी में रखें और फिर अपने कान में इस तेल की 2-3 बूंदें डाल दें और फिर रुई के गोले से कान को बंद कर दें। आपके कान को दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। नंबर तीन, आप प्याज के बुरादे या प्याज का गोल या पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको कान के बाहरी त्वचा में ही करना है। इससे भी आपको कान के दर्द में राहत मिलेगी। इस बुरादे को अपने कान में कम से कम 45 मिनट तक के लिए रहने दें। नंबर चार, अपनी नाक को साफ करते रहें जिससे कि पानी आपके कान की नली में ना जमे।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिससे मैंने आपको बताया कि कैसे अपने कान दर्द को आप घरेलू नुस्खे से दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।